बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और पूर्णतः स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1970 में अमेरिका में हुई थी और धीरे धीरे करके इसे बहुत सारे देशों में मनाया जाने लगा। आज के समय में लगभग 190 देशों में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने का मुख्य कारण पर्यावरण संरक्षण है। इस दिन विश्व भर में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ चुका है। जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण हर तरफ अपनी तय सीमा से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पृथ्वी पर आए हुए इस प्रदूषण नामी संकट से इसे हम बचाएं। क्या आप भी अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, इसे साफ सुथरा और हरा भरा करना चाहते हैं? आइए हम आपको कुछ ऐसे आसान से नियम बताते हैं जिनको अपने जीवन में अपनाकर आप अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। आपको 3 R's अपने जीवन में अपनाने होंगे। 3 R's means reduce, reuse, recycle। अगर आप इन 3 R's का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो आप इस प्रदूषण की विकराल समस्या से अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे और इनको अपनाना बहुत आसान है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। फर्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम करना। अब हमें क्या कम करना है? हमें अपना कचरा कम करना है। ऐसा क्या कचरा होता है जिसको हम कम कर सकते हैं? हम अपने कचरे को जनरली 2 parts में डिवाइड करते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। गीला कचरा जैसे कि हमारे फलों और सब्जियों के छिलके या फिर हमारा बागवानी का कचरा। अब यदि हम इस गीले कचरे को अपने सूखे कचरे से अलग करते हैं और इसका प्रोडक्टिवली अपने घर पर ही यूज कर लेते हैं तो हम इस गीले कचरे को बाहर जाने से रोक पाएंगे। हम इस गीले कचरे से खाद बना सकते हैं। अब बात आती है सूखे कचरे की। सूखे कचरे में जनरली हमारे घर से डेली क्या निकलता है? प्लास्टिक की पन्नियां, प्लास्टिक की बॉटल्स। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की पन्नियों की। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने घर से निकलने वाली डेली प्लास्टिक की पन्नियों को इस तरह से किसी बड़े बैग में इकट्ठा कर लें। जैसे कि ये देखिए, मैंने इकट्ठी कर रखी हैं। इससे क्या होता है, ये डेली डेली आपके कचरे में नहीं जाती हैं, साफ सुथरी रहती हैं। 15 दिन में या 20 दिन में जब भी बैग आपका फुल हो जाए तो आप इसे कचरे वाले को आराम से दे सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि ये गीले कचरे के साथ मिक्स नहीं होगा और साफ सुथरा रहेगा और आसानी से रिसाइकिल हो जाएगा। आप प्लास्टिक की पन्नियों में इस तरह से पेड़ पौधे लगाकर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ पुराने मग्स होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते और हम सोचते हैं कि अब ये पुराने हो गए या टूट गए तो हम इनको कचरे में डाल देते हैं। आप ऐसा ना करें और आप उनके अंदर सुंदर से पौधे लगा सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। रिड्यूस का एक मतलब ये भी होता है कि हम नई नई चीजें कम से कम खरीदें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खरीदें, क्योंकि नई चीजें बनने में बहुत सारे संसाधनों का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है। क्या आप जानते हैं कि एक टी शर्ट बनने में 2,700 liters पानी का प्रयोग होता है जो कि एक व्यक्ति 900 दिनों तक लगातार पी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें उस नई टी शर्ट की आवश्यकता नहीं है तो हम उसे ना खरीदें और इतना सारा पानी बचाएं वेस्ट होने से। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नियम रीयूज की। रीयूज माने के दोबारा इस्तेमाल करना। जिन चीजों को हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं उनको बार बार इस्तेमाल करना। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है सिंगल यूज प्लास्टिक की। सिंगल यूज प्लास्टिक मींस ऐसा प्लास्टिक जिसे हम केवल एक ही बार इस्तेमाल करते हैं
उसमें आता है जैसे प्लास्टिक के स्पून्स, प्लास्टिक की स्ट्रॉज या प्लास्टिक की थैलियां या प्लास्टिक की बॉटल्स। ये सब चीजें जो हैं हम उनको सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं और कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, और ये कचरे के डब्बे में जाने के बाद बहुत बहुत सालों तक वहां पर ऐसे ही पड़े रहते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन चीजों के बजाय हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते रहें। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें प्यास लगती है, तो हम इस तरह की स्टील की या तांबे की बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें बार बार पानी भर के इन्हें रीयूज कर सकते हैं। जब हम बाहर खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो हमें इस तरीके के क्लोथ बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हम इनको धोकर बार बार यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी प्लास्टिक की पन्नियों को कचरे के ढेर में जाने से बचा पाएंगे। हम एक ऐसा पाउच अपने पास हमेशा अपने बैग में रख सकते हैं और इसके अंदर हम ये तीन चीजें रख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्टील का स्पून है, ये स्टील की फोक है और स्टील का स्ट्रॉ है। तो जब हम इन चीजों को हमेशा अपने पास रखेंगे और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हम इन चीजों का इस्तेमाल करें बजाय प्लास्टिक के स्पून, प्लास्टिक के स्ट्रॉ या प्लास्टिक के फोक के। इन चीजों को बार बार इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के हजारों स्पून, फोक और स्ट्रॉ को कचरे में जाने से बचाएं। अब हम बात करते हैं तीसरे आर की, यानी कि रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग मतलब जैसे हम किसी चीज को इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हम उसका रूप बदल कर उसको दोबारा इस्तेमाल करें। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे ये एक सोफे का कवर है, अब हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो मैंने इसका ये क्लोथ पैक बनाया है और इसको मैं शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मेरे पास एक साड़ी थी जिसका इस्तेमाल मुझे नहीं करना था, तो मैंने उसके भी क्लोथ बैग बनाए एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दीज क्लोथ बैग्स आर। तो यदि हम इन थ्री आर्स यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, इन तीनों आर्स का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, तो हम प्रदूषण की इस विकट समस्या से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आज विश्व पृथ्वी दिवस पर हम ये प्रण लें कि हम इन थ्री आर्स का इस्तेमाल अपने जीवन में जरूर करेंगे। लेट्स प्लेज रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, और हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद।